दोस्तों आज सन 2020 चल रहा है और इस कोरोना की कहर की वजह से पूरी दुनिया अब लॉकडाउन में है और इस रेस में हमारा प्यारा देश भारत भी पीछे नहीं है। हालांकि हम बाकी देशों के मुकाबले कई बेहतर स्थिति में है। आज पूरी दुनिया इस भयंकर वायरस की चपेट में है और पूरी दुनिया के लोग आज घरों में कैद है। सड़कें सुनसान है, गलियों में कोई चहल पहल नहीं है और पंछी आजाद है। खैर, आज का हमारा टॉपिक भारत की आज़ादी के ऊपर है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि आज जो हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं उसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि इतना ही तो हम सभी को ये पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि 14 अगस्त की रात में ऐसा क्या हुआ जो हमारे पूरे देश की नक्शा ही बदल गया? आखिर 14 अगस्त की उस भयानक रात को ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो चलिए चलते हैं 1947 की उस भयानक रात को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयदेव प्रधान। आपको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दी नॉलेज शो में। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 यानी कि आज से करीब 73 साल पहले दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात की करीब 9 बजे रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और रात की करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हाउस पहुंचे और 14 अगस्त सन 1947 से 15 अगस्त 1947 होने में बस कुछ ही समय बाकी था और 12 बजे की पहले पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना स्पीच खत्म करनी थी, जिसमें उन्होंने 2 लाइनें कहकर अपना स्पीच शुरू किया और वो 2 लाइन कुछ इस प्रकार थी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और इंग्लिश की इन 2 लाइनें कहकर पंडित नेहरू ने अपना स्पीच शुरू किया, जिसे उन्हें 12 बजे की पहले पहले खत्म करना था क्योंकि 12 बजे हमारा देश की आज़ादी का ऐलान होने वाला था और शंखनाद से हमारा भारत गूंजने वाला था, जिस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम से नारे लगाए जा रहे थे। और जो लोग ये भाषण को अपने घरों में रेडियो पर सुन रहे थे उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 300 सालों से इंतज़ार किया था। और 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, उसके बाद अंग्रेजों का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी का छाती चौड़ी हो गई थी क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने वाला था जिसका हमने बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन खुशियों के साथ साथ उतना ही गम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया और करीब 8,15,00,000 लोग एक ही झटके में खो दिए थे क्योंकि 14 अगस्त रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था और हमारा प्यारा भारत 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा अखंड भारत का नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का था जिसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां पर उन्होंने भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के चिंगारी भर दिए थे, वरना आज़ादी के पहले तक हम भाइयों की तरह साथ में जीते थे। वो तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें हमारी जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व का याद दिलाया, जिसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले से कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और जिस वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ जो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने के बाद बहुत पहले से ही चली रही थी
और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था ताकि इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने में उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने लगाई थी जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने उन्हें भारतीयों की तरह विदा किया था। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिकों की टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपना देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसके एक साल बाद यानी कि 27 अगस्त 1948 के दिन निकली, और इसके बाद ब्रिटिशर्स के नाम भारत की नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस तरह भारत का ख्याल करके हमारा देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी थी, क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? इस विषय में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल दी नॉलेज शो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।